ये जो गोंडो अलर्ट मैंने लास्ट एपिसोड में बनाई थी ये चल तो रही है, बट इसमें गेस्ट काफी कम बैठ रहे हैं। तो ज्यादातर ये गोंडो अलर्ट खाली जा रही हैं, और अगर किसी में कोई बैठ भी रहा है तो वो एक दो गेस्ट ही बैठ रहे हैं, ज्यादा बैठ नहीं रहे, क्योंकि ये हाइट की वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पे गेस्ट जो है डर रहे हैं इसमें बैठते हुए। और इसी वाली मोनोरेल है ये, अभी जो है इसमें कोई गेस्ट वगैरह आने शुरू नहीं हुए। इसका इशू मुझे यही लग रहा है कि जिनको मोनोरेल की राइड लेनी है वो उस वाली मोनोरेल में घूम रहे हैं, और इस साइड ज्यादा एनिमल्स है ही नहीं, तो इस साइड विजिटर्स आ ही नहीं रहे, इसलिए मोनोरेल में बैठ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि ये यहाँ पे भी जो है विजिटर्स काफी कम है, ज्यादातर तो ये अपना स्टाफ ही जाते हुए दिख रहा है, ये भी सारा का सारा अपना ही स्टाफ है, और ये भी काम पे आ रहे हैं। इनकी एनर्जी अभी भी इतनी ज्यादा कम है, तो इनकी एनर्जी का मुझे देखना पड़ेगा, इनकी एनर्जी इतनी लो क्यों चल रही है। अभी फिलहाल गैस तो एक भी नहीं आया, बट यहाँ पे ये हिप्पो है, और इन हिप्पो में वजन इतना ज्यादा है, इनके चलने की आवाज भी अलग ही आ रही है, पूरी वाइब्रेशन हो रही है एकदम इनके चलने पे। पहले तो ये हैबिटेट क्लीननेस का इशू आ रहा है, हैबिटेट क्लीननेस का ये क्रोकोडाइल के में इशू आ रहा है, जहां तक है मुझे ये आ रहा है चिंपैंजी के में, और इधर वैसे क्रोकोडाइल का भी जो है गंदा ही हो रहा होगा, एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। नहीं ये तो क्लीन है, यहाँ पे मैंने वाटर फिल्ट्रेशन का कहीं पे लगा रखा है, इधर की साइड है ये रहा, यहाँ पे ये यहाँ पे लगे हुए हैं। बाकी इशू आ रहे हैं कि ये लो वेलफेयर का है, तो उसका भी देख लेंगे भी लो वेलफेयर क्यों है, और ये काफ़ी सारे हैबिटेट्स में प्रॉब्लम है, और इस सारे हैबिटेट में घड़ियाल आपस में लड़ रहे हैं, ये लड़ेंगे, इतने सारे घड़ियाल जो हो चुके हैं। अब इनके लिए भी जो है ना, या तो मैं और जगह बड़ी बनाऊँ, या फिर कुछ को ना यहाँ से मूव करता हूँ, फिलहाल इनको भेजता हूँ एनिमल ट्रेड सेंटर में, और वहाँ पे बाद में देख लेंगे अपने जू में कहीं पे ऊपर माउंटेन के वहाँ पे, या फिर लेक के दूसरी साइड जगह बची होगी तो वहाँ पे एक छोटा हैबिटेट बना देंगे, और कुछ घड़ियाल को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसको फिलहाल मूव कर देता हूँ ट्रेड सेंटर में, और इस बड़े वाले को भी मूव कर देता हूँ ट्रेड सेंटर में, और इस वाले को भी ट्रेड सेंटर में भेज देता हूँ। इस चिंपैंजी के हैबिटेट में ये जो पानी है गंदा हो चुका है, तो इसको साफ़ करना पड़ेगा, इसको साफ़ करने के लिए वाटर फिल्टर सिस्टम लगाना पड़ेगा, तो वो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लगाता हूँ, इस साइड जो है जगह भी है और इधर कोई गेस्ट आता भी नहीं है, तो ये वाटर ट्रीटमेंट का इसको यहाँ लगा देते हैं। और अभी इसको देखना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे ट्रांसफार्मर लगाना है या नहीं लगाना, अभी फिलहाल तो प्लेस कर दिया, अभी तो नॉर्मल ये काम कर रहा है, इसने स्टार्ट कर दिया है, एक मिनट देख लेते हैं ये ऑपरेशनल है या नहीं है। हाँ ऑपरेशनल है अभी, हाँ काम कर भी रहा है, आवाज़ भी आ रही है इसकी काम करने की, तो ये वाला पानी जो है इससे साफ़ होना शुरू हो जाएगा। और ये रही फीमेल चिंपैंजी, और अभी ये अकेली है, दूसरा चिंपैंजी मुझे मिला नहीं है यहाँ पे, और बाकी और हैबिटेट्स में देख लेते हैं, और हैबिटेट्स में भी कुछ इशू आ रहा था यहाँ पे। और ये स्टाफ को क्या है, स्टाफ रूम नहीं मिल रहा, कौन सा स्टाफ है जिसको स्टाफ रूम नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कांट फाइंड एन एक्सेसिबल स्टाफ रूम। तो यहाँ पे स्टाफ रूम पहले हुआ करते थे जो मैंने हटा दिए थे यहाँ से, तो अब यहाँ पे जो इस एरिया में स्टाफ काम कर रहा है उसको स्टाफ रूम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मुझे स्टाफ रूम बनाना पड़ेगा, और वो स्टाफ रूम मैं यहाँ कहीं साइड में बना सकता हूँ, इधर की साइड रास्ता तो मैं यहाँ से दे दूंगा, तो यहाँ पे स्टाफ रूम लगा देता हूँ। अभी स्टाफ रूम दूसरे वाले में लोक हो गए, ये अफ्रीकन स्टाफ रूम स्मॉल वाला, तो ये लगाता हूँ, वाला काफ़ी सही है, और इसमें बाहर ये बैठने बैठने की जगह भी है, इसको इधर की साइड यहाँ कहीं प्लेस यहाँ प्लेस कर दिया, और यहाँ से ये रास्ता भी हो गया, और ये अपने स्टाफ के लिए इधर बैठने बैठने की जगह भी हो गई है। और अंदर भी देख लेते हैं अंदर क्या है, अंदर इसमें एक तो ट्री इस पे अंदर ही आ गया है मैंने यहाँ पे लगाया, तो बाकी यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, माइक्रोवेव भी है, टीवी भी है, और इधर ये सारा टोस्टर वगैरह भी रखे हुए हैं, और इधर ये बैठने की और खाने की जगह भी है, तो अभी मैंने स्टाफ का रूम बढ़िया हो गया, और एक गिटार भी रखा हुआ है, यहाँ मैंने गिटार भी देखा, एक मिनट ये रखा हुआ है एक गिटार यहाँ पे स्टाफ रूम के अंदर। ठीक है ये तो हो गया स्टाफ रूम का काम इधर का, और बाकी अभी दूसरा देख लेते हैं और क्या इशू है। तो मुझे क्रोकोडाइल का हैबिटेट देखना था, मैं लास्ट वीडियो में भी जो है उसको ठीक करना भूल गया था कि यहाँ पे इतने सारे क्रोकोडाइल हो रखे हैं, ये मुझे निकाल लेते हैं यहाँ से। और अब तो ये जो है कितने हो गए हैं, ये अब तो 20 के आसपास लग रहे हैं मेरे को, और ये यहाँ पे लड़ रहे हैं आपस में ना, तो ये काफ़ी सारे इनके अलर्ट आते रहते हैं, जैसे ये अभी भी जो है ना ये लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसको वाइल्ड में छोड़ दूंगा मैं, अब इनको वाइल्ड में छोड़ने का आ गया है टाइम ना। ये पानी में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे हैं, इन छोटे छोटों को भी भेज देता हूँ, और कुछ बड़ों को भी भेज देता हूँ, ज़्यादा नहीं छोड़ता यहाँ पे। ये अब वाइल्ड में छोड़ूंगा तो मेरे को इससे कंजर्वेशन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये फालतू में इशू ही क्रिएट कर रहे हैं, बार बार इनकी वजह से अलर्ट आ रहे हैं। चलो इतने काफ़ी हैं, अब कितने रह गए, अब मैं देख लूँ, अब अभी भी वैसे काफ़ी सारे हैं, ये यहाँ पे हैं अभी 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है अबकी बार कोई अलर्ट आएगा तो इसमें जो 5-6 को और निकाल दूँगा, खाली 5-6 छोड़ने वाला हूँ। और अभी एक और अलर्ट आ गया, ये क्या है, कॉमन वॉरथोक को क्या हुआ, कॉमन वॉरथोक तो ये रहा, तो मेरे को लग रहा है इसको कुछ हेल्थ इशू है, इसके लिए कीपर को ही बुला लेता हूँ और वेट को ही बुला लेता हूँ। और दूसरे वाला वॉरथोक कहाँ पे, ये 3 वॉरथोक थे, एक ही रह गया, बाकी 2 कहाँ गए, अभी देखता हूँ मैं जरा एक बार अलर्ट क्या आ रहा है। जो है बेल कंटिन्यूसली बजे ही जा रही है, रुकी नहीं रही है,
ये एक सिक्योरिटी गार्ड अपना क्विट करने की सोच रहा है, क्यों क्या हो गया? इनके एनर्जी के लेवल डाउन चल रहे हैं, इनके एनर्जी का भी मुझे लग रहा है कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना पता नहीं कोई तो इशू है, ये इस तरह से काम नहीं करते थे पहले, या तो इनको फैसिलिटीज़ वगैरह कम मिल रही हैं। और बाकी बैल बज रही है यहाँ से, यहाँ पे क्या हो रखा है, ये ऊँट को क्या हुआ? ये ठीक है ऐसे बैठा हुआ है, मुझे लगा रेस्ट इन पीस हो गया ये भी, नहीं तो ठीक है। ये एक दो तीन और एक चार, चार ऊँट है यहाँ पे। और घंटी क्यों बज रही है भाई यहाँ पे? मैकेनिक को बुलाऊँ, वेट को बुलाऊँ, यहाँ पे कीपर को ही बुलाऊँ? यहाँ समझ नहीं आ रहा है, कंटिन्यूस घंटी बजे जा रही है और यहाँ पे ये ऊँट भी इधर उधर भाग रहा है। कुछ तो इशू है इस हैबिटेट के अंदर, इसी हैबिटेट की वजह से बार बार अलार्म बज रहे हैं। बाकी अपनी जो गुलपी सोडा का आउटलेट है, इस पर कोई वेंडर इतनी सप्लाई देने के लिए खाली पड़ा हुआ है, और इधर की साइड गैस भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है मेरे को कुछ वेंडर्स और हायर करने पड़ेंगे, अपना स्टाफ कम पड़ रहा है, ये रहा स्टाफ, और यहाँ पे जो है वेंडर हायर कर लेता हूँ। यहाँ ये कितने, पांच हायर कर लेता हूँ, ये तो काफ़ी कम सैलरी पे काम करते हैं, $200 के आसपास सैलरी होती है, ठीक है। ये भी हायर करते सीधे वहाँ पे चली गई, और बाकी जो एक दो खाली पड़े होंगे वहाँ पे जो है बाकी जाए काम कर लेंगे। और इनकी वेंडर्स की सैलरी है, मैं वेंडर्स की सैलरी एक बार देख लूँ तो, हाँ $230 के आसपास है स्टार्टिंग सैलरी, और उसके बाद 275 है सेकंड लेवल पे। और स्टाफ तो अपने पास काफ़ी सारा हो गया, अगर मैं सारा स्टाफ देखूँ, 35 मैकेनिक है, 30 सिक्योरिटी गार्ड है, 32 केयर टेकर है, 33 वेंडर है, और 29 सिक्योरिटी गार्ड हो गए। एक सिक्योरिटी गार्ड मतलब क्विट करके चला गया है, 11 बैटर 16 कीपर है। हाँ ये एक सिक्योरिटी गार्ड ने जॉब क्विट कर दिया है, तो कोई नहीं जान दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं और स्टाफ रूम ना प्लेस कर ही देता हूँ, जैसे मैंने अभी एक स्टाफ रूम मोनोरेल के स्टेशन के नीचे सेटअप किया है, और एक और स्टाफ रूम लगा देता हूँ। और बाकी ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? अबे अबे ये ज़ेबरा घोड़े ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रहा था? अभी इनके लड़ने पर इन्होंने घोड़े ऐसी आवाज़ निकाली, तो चार ही अभी इनको तो लड़ना नहीं चाहिए। तो अपने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में इशू आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है अपना जो स्टाफ है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, मेरे को देख के लग रहा है कि उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है। अब उसका एक इशू तो ये हो सकता है कि मैंने ज़्यादातर अपने स्टाफ रूम यहाँ पे इस साइड बनाए हैं, और ये सारा का सारा स्टाफ अपना ये रहा, तो इस स्टाफ को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये काम करते हैं उस साइड और आना पड़ता है इस साइड, और ये पूरे भर गए हैं यहाँ से जा रहे हैं इकट्ठे। तो एक काम करता हूँ, मैं इस साइड भी ना स्टाफ रूम और लगा ही देता हूँ, तभी शायद इनकी एनर्जी का लेवल ठीक होगा। और बाकी स्टाफ रूम लगाने के लिए अभी जगह भी मुझे देखनी पड़ेगी, तो स्टाफ रूम के लिए इधर ऊपर जगह देख लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे स्टाफ रूम लगाए थे ऊपर, ये रहा यहाँ पे, तो पर ये अभी यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे एक तो वर्कशॉप है और एक स्टाफ रूम है और एक रिसर्च सेंटर है। तो स्टाफ रूम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे प्लेस करना स्टार्ट करता हूँ इधर की साइड, ये रहा यहाँ पे जगह तो है ही, यहाँ पे स्टाफ रूम एक इधर लगा देता हूँ और बाकी एक दूसरी जगह लगा दूंगा। और जूम में जगह जगह मुझे स्टाफ रूम लगाने पड़ेंगे, ताकि जहाँ पे भी सूटेबल हो, जिस भी जोन में कोई वर्कर काम कर रहा हो वहाँ पे वो उस वाले स्टाफ रूम में रुक सके। तो एक तो ये यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसका रास्ता भी कनेक्ट करना पड़ेगा, इसका रास्ता कनेक्ट नहीं हुआ है, वुड वाला लगाते हैं रास्ता। अब बस इससे आगे कनेक्ट हो गया, तो एक स्टाफ रूम यहाँ पे बन गया, ये इधर से रास्ता जाके इधर घूम के यहाँ पे आ जाएगा। और वैसे यहाँ पे इस साइड काफ़ी सारी जगह है, यहाँ पे और भी स्टाफ रूम लगा सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर वही है कि स्टाफ को काफ़ी दूर ट्रैवल करके आना पड़ेगा, तो जगह जगह लगाते हैं एक एक करके। और एक इधर की साइड भी लगा देता हूँ यहाँ पे ना, एंट्रेंस के पास, एंट्रेंस के पास ठीक रहेगा, तो यहाँ पे अपना स्टाफ जो है कुछ रुक सकता है इधर की साइड। तो एक स्टाफ रूम यहाँ पे लगा दिया है, और इसका रास्ता मैंने यहाँ से कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा गोल घूम के रास्ता ही बना दिया है, तो यहाँ पे काफ़ी खाली खाली लगा था। अब यहाँ पे लगेगा कि कोई बिल्डिंग वगैरह तो है, और बाकी अपनी ये फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे ठीक है। तो इसका रास्ता ये नॉर्मल वाला लगा हुआ है, अभी यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ वुडन वाला रास्ता कर दूँ। और फिलहाल तो अभी रात हो चुकी है, अभी गेस्ट के देख लेते हैं कितने हैं, अभी गेस्ट 2833 हैं, तो गेस्ट का नंबर बढ़ नहीं रहा है, 3000 के आसपास ही घूम रहा है। और वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी कौन सी फेल हो गई, एक मिनट, अनपावर्ड इलेक्ट्रिक फैंस कहाँ पे है? ओ यहाँ पे जो है भालू ने ये वाली फैंस तोड़ दी है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का शायद नहीं हो रहा है। तो मैंने ये विंड टरबाइन लगाई थी, ख़राब हो गई है, और इधर जो है मैकेनिक को बुलाओ, तो मैकेनिक शायद आ नहीं पा रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका है और रास्ता यहाँ पे है नहीं, इसीलिए यहाँ पावर सप्लाई बंद हो गई इस वाली फैंसिस की। तो एक काम करता हूँ, एक विंड टरबाइन यहाँ नीचे भी लगा देता हूँ, तो वो बैकअप के लिए रहेगी, और उसे जो है मैकेनिक रिपेयर भी कर पाएगा। ये है, और इसको देना पड़ेगा रास्ता मुझे, इसको रास्ता देता हूँ ताकि मैकेनिक यहाँ रिपेयर करने के लिए आ सके। इसको इस वाले से कनेक्ट कर देते हैं, और अभी भी अलार्म बज रहा है। अब कौन सा अलार्म बज रहा है, अब क्या हो गया यहाँ पे?
कोई एनिमल एस्केप हो गया क्या? हाँ ये एनिमल एस्केप हो चुका है, ये कैमल बाहर निकल गया। एक और एनिमल एस्केप हुआ है, ये भालू का छोटा सा बच्चा है जो एस्केप हो चुका है, इसको भी कैप्चर करके वापस भेजो। तो मैंने जो है लास्ट वीडियो में यहाँ पे दो ब्लैक बेयर परचेज करके रखे थे, ये रहे दोनों के दोनों, और ये मेल फीमेल थे। तो यहाँ पे एक बेबी ब्लैक बेयर हुआ है और ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो ये भी एस्केप हो गया था यहाँ से फेंसेस से, क्योंकि फेंसेस में जो है पावर नहीं आ रही थी और ये फेंस टूटी हुई थी यहाँ से। इसको तो यहाँ घूमने देते हैं। तो बाकी अभी एक और स्टाफ रूम लगाना है और वो स्टाफ रूम इस साइड लगाना है। दो स्टाफ रूम मैंने नए लगा दिए हैं, एक और देख लेते हैं, एक और की जगह मिल जाएगी कहीं पे, तो एक और लगा देता हूँ। एक और वैसे यहाँ पे लगाऊँ तो रास्ते में आ जाएगा, और इधर की साइड भी नहीं, इधर लगा देते हैं चिंपैंजी वगैरह के हैबिटेट के पास आ जाए तो। अबे लड़ क्यों रहे हैं ये? ओह ये चार चार हो चुके हैं यहाँ पे, ये ग्रिजली बेयर्स लड़ रहे हैं आपस में बुरे तरीके से। इतना छोटा हैबिटेट भी नहीं है कि इनको लड़ना पड़े। अब इनको बाहर निकाल के फायदा नहीं है, क्योंकि ये हैबिटेट इतना तो है कि चार इसमें रह सकते हैं। बाकी देख लेंगे, अभी ये फिर से लड़ेंगे तो एक हाथ को ट्रांसफर कर दूंगा दूसरी जगह पे, थोड़ी देर के लिए ट्रेड सेंटर में भेज दूंगा, गुस्सा शांत हो जाएगा, वापस फिर इसी के अंदर ले आऊंगा। और ये वाला मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा गुस्से में है। इधर एक स्टाफ रूम भी बना देता हूँ, यहाँ पे जगह है स्टाफ रूम बनाने के लिए, ये इस साइड की जगह है, तो इस साइड स्टाफ रूम आएगा तो ठीक है, यहाँ पे अपने एनिमल्स जो है उनकी भी केयर सही होती रहेगी और स्टाफ भी थोड़ा एनर्जी में काम करेगा। तो इधर एक स्टाफ रूम और प्लेस कर देता हूँ, इधर की साइड यहाँ पे कर देता हूँ, और इसका जो है एंट्रेंस है यहाँ पे, और इसको इस वाले रास्ते से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो है सिंपल वाला रास्ता यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो है वुडन वाला यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे सारे रास्ते ऐसे ही हैं सिंपल वाले, तो इस साइड इस रास्ते को सिंपल ही रखते हैं। इधर ला के बस कनेक्ट कर देता हूँ, बस हो गया, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे स्टाफ आ जाएगा तो थोड़ा इन एनिमल्स का ध्यान रख लेगा। एक तो यहाँ पे ग्रिजली बेयर्स हैं जिनका ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और दूसरा कि यहाँ पे चिंपैंजी है ये, और इस चिंपैंजी का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने जू की सबसे महंगी एनिमल है ये फीमेल चिंपैंजी है। और अभी एक मेल चिंपैंजी भी मैं और परचेज करने वाला हूँ, और बाकी यहाँ पे क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं। बाकी इनकी पॉपुलेशन और बढ़ती जा रही है तो मुझे अभी कुछ को और भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। बाकी अभी मैंने फिलहाल तो जो है यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाफ रूम्स लगा दिए हैं, अब देखते हैं इन स्टाफ रूम से फायदा होता है, अपना स्टाफ सही एनर्जी से काम करता है, तब उसके बाद मैं और एनिमल्स परचेज करूंगा, क्योंकि अभी जब तक स्टाफ सही से काम नहीं करेगा तो एनिमल्स का सही से ध्यान नहीं रखा जा रहा, काफ़ी सारे अलर्ट आ रहे हैं। और अभी जो है मैं कंजर्वेशन क्रेडिट भी इकट्ठे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेल चिंपैंजी लेना है और वो 2000 कंजर्वेशन क्रेडिट से ज़्यादा कहीं आ रहा है, तो अभी फिलहाल कंजर्वेशन क्रेडिट है 1169, तो इसलिए मैं अभी कोई और एनिमल परचेज नहीं कर रहा। बाकी फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।